राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आपने कौन से सुगंध का, कौन से धूप बत्ती का, कौन से अगरबत्ती का इस्तेमाल करके आपके पर्टिकुलर इंटेंशन को, आपके पर्टिकुलर विश को मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली अगरबत्ती है या पहली धूप बत्ती है जिसका आपने जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, वो है चंदन के सुगंध वाली अगरबत्ती। अगर आप अपने घर में, पूजा पाठ में डेली अगर चंदन के सुगंध का, चंदन के धूप बत्ती का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपको डिप्रेशन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, मन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, या फिर अगर आपको माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उससे रिलेटेड लाभ मिलेगा। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश और झगड़े होते हो, आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से इम्प्रूव करके घर में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपने डेली पूजा करते समय अपने घर में गुलाब की यानी रोज की अगरबत्ती या धूप बत्ती का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर आप गुलाब की सुगंध की अगरबत्ती का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपके रिलेशंस बहुत पॉजिटिवली इम्प्रूव होने लगेंगे। अगर आप नियमित रूप से गुलाब की सुगंध की अगरबत्ती या धूप बत्ती का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ एंड न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम भी जनरेट होने लगेंगे। अगर आप बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, अगर आप कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान हैं, या फिर अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो ऐसे में आपने गुग्गल की जो सुगंध वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती होती है उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप अपने पूरे 9 ग्रहों को बैलेंस करना चाहते हैं और कुंडली में जो भी दोष है उनको कम करके अपने घर के वास्तु दोष को भी कम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपने नियमित रूप से पूजा पाठ करते समय लोबान की सुगंध की अगरबत्ती का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इससे पहले भी मैंने एक ऐसा ही वीडियो बनाया है जिसमें अलग अलग सुगंध का आप किस तरीके से प्रयोग करके अपने जीवन में अपनी जो भी विशेष है, ड्रीम्स है, डिजायर्स है, गोल्स है, उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो वो वीडियो जो है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा एंड बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए एंड यूजफुल लगे, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज अलॉन्ग विद जेमस्टोन्स रिकमेंडेशन, काइंडली ईमेल मी एट ekta.kotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Stay tuned, take care, bye-bye.